इतना हार्ड ही परमानेंट प्लांट है ये, चैन प्लांट है, बास्केट में लगाने से काफी अच्छा जो है इसका लुक आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। एक ऐसा प्लांट बताऊंगी जो अभी भी आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं, हार्डी प्लांट है और शेमी शेड में रहने वाला प्लांट है, बट बास्केट प्लांट है वो, आप इसको बास्केट में जरूर लगाइए। वैसे तो पॉट में भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास मेरी तरह बास्केट नहीं है तो आप इसको इस तरह से पॉट में भी, या कटी हुई बोतल है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मैंने तो बोतल काट के लगाया है, लेकिन ये बास्केट प्लांट है और इस प्लांट का नाम है चैन प्लांट है, चैन बास्केट प्लांट है। और आप इसको देख सकते हैं, ये इस तरह से ना लटकता रहता है, इसकी नई नई ब्रांच ना निकलती रहती है। और यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से निकलने लग गया ये प्लांट, यहाँ से अब इसकी दूसरी ब्रांच शुरू हो जाएगी, फिर ऐसे ही इधर से भी निकल जाता है। तो इसी तरह से ये प्लांट ना बढ़ता रहता है और नीचे की साइड लटकता रहता है। तो जब हम इसको बास्केट में लगाएंगे तो काफी अच्छा लुक लगेगा। मेरे पास अभी बास्केट कोई खाली नहीं है और मैं नर्सरी गई नहीं हूँ। काफी अच्छा हैंग करता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और छोटी छोटी जो इसके जो इस तरह से ये बेबी प्लांट निकलते रहते हैं साइड साइड में, तो इससे आप लगा सकते हैं। एक ही ब्रांच पे कई जो है ब्रांच निकलती रहती है। तो मेरा तो अभी बहुत छोटा प्लांट है, लेकिन जब ये बड़ा होगा ना तो बहुत ज्यादा नीचे तक लटक जाता है। और आप देख सकते हैं ज्यादा बड़ी है, बोतल भी नहीं है और इसमें ना इतनी मिट्टी भरी हुई है, सिर्फ इतनी मिट्टी भरी हुई है, इतनी तो ये खाली है। आपको दिख रही है तो देखिए, मिट्टी भी बहुत थोड़ी सी है इसमें। और आप इसकी ग्रोथ देखिए, प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। ऊपर की जो पत्तियां हैं ये देखिए, कितनी चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं। तो आप इसको बास्केट में जरूर लगाइए। बस आपको क्या करना है, लगाने का तरीका, यहाँ से आप इसको इतना कट कर लीजिए, नीचे की साइड से यहाँ से कट कर लीजिए, फिर इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए। और मैं अभी आपको दिखाती, लेकिन मेरे पास कोई बास्केट खाली नहीं है, लेकिन मैं बास्केट में लगाऊंगी, जब बास्केट लेके आऊंगी ना तब इसको लगाऊंगी। तो आप इसको अभी भी लगा सकते हैं, काफी सुंदर लगने वाला है। ये देखिए, इस तरह से चौड़ी चौड़ी तो पत्तियां होती है और ना ज्यादा पानी लेता है। आप इसको शेमी शेड में रखिए। इन प्लांट के लिए पोरस मिट्टी बनाना बहुत अच्छा होता है, तो पोरस मिट्टी बनाइए और काफी खूबसूरत लगने वाले। तो देखिए, स्पाइडर प्लांट को भी आप इसमें बास्केट में लगा सकते हैं, और मैंने तो बास्केट और पॉट में बोतलों में इस तरह से लगाया हुआ है, कई जगह लगाया हुआ है। तो मेन तो मेरा मकसद था ये चैन प्लांट, आप इसको बास्केट में जरूर लगाइए। और देख सकते हैं छोटे से ही पॉट में कितनी ज्यादा ये ग्रोथ कर रहा है। बहुत छोटा प्लांट है, इसको मैं नर्सरी से लेके आई थी, जब ये बिल्कुल इसकी पत्तियां ना ऐसी जली पड़ी थी, और मैं जब लेके आई थी, मैंने वीडियो भी इसकी डाली हुई है, तो बहुत ही बेकार हालत में थे, पत्तियों पे ना कीड़े वगैरह लगे हुए थे। मुझे लग नहीं रहा था कि ये लग जाएगा मेरे पास ये प्लांट, इस हालत में मैं इसको लेके आई थी। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये है नहीं प्लांट, तो मुझे चाहिए है, लेकिन मैं इसको चला लूंगी, आप मुझे दे दीजिए। तो उसने मुझे ये 50 रुपए का दिया था, कीड़े लगे हुए थे इसके ऊपर। तो ये प्लांट मैंने खरीद लिया और फिर मैंने इसको तब से यहीं पे लगाया हुआ है, और बास्केट किट ना होने के कारण इसमें लगाया है, और बास्केट आ जाएगी तो मैं बास्केट में लगाऊंगी। तो आप इस प्लांट को जरूर लगाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।